क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर हमारे शोल्डर की कटिंग सही नहीं होगी तो हमारे पूरे कमीज की फिटिंग बिगड़ जाएगी, या तो हमारी बाजू घूम जाएगी, या हमारी प्लेटें घूम जाएगी, या हमारा गला घूम जाएगा, या यहाँ से झोल पड़ जाएगा, क्योंकि मेन जो कमीज का होता है यहाँ पे आके सारा एरिया खत्म होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कमीज की कटिंग। कमीज की कटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कई छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए हम कमीज की कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमारी सिलाई कभी भी खराब नहीं होगी। इसलिए मैं आपको छोटी मगर बड़ी बातें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसमें आपकी सूट की कमीज की जो फिटिंग है, कटिंग है, कभी भी खराब नहीं होगी। इसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ, इसकी लंबाई मुझे रखनी है प्रॉपर, पूरा तैयार रखना है 45 इंच, लेकिन इसकी लंबाई तो यहाँ पे 53 इंच आ रही है और मैंने इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इसका हमें घेरा कितना रखना होता है, और घेरे से पहले ये भी देख लो कि आपके सूट में कमीज की हिप्स कितनी है। इसके अंदर आपको जैसे कि मेजरमेंट लेना होता है, वो तो आपको पता ही होगा कि हमें किस तरह से कमीज का मेजरमेंट लेना होता है, और फिर भी मैं आपको बता दूं, मुझे इससे कमीज की लंबाई रखनी है 45 इंच तैयार, और इसका ब्रेस्ट का जो है वो है 22 इंच, यानी कि पूरा प्रॉपर घुमा के हो गया 44 इंच, और इसकी फिटिंग है 18 इंच, तो यानी कि पूरी कमर हो गई 36 इंच, और इसकी हिप्स है वो है 44 इंच, उसका हाफ हो गया 22 इंच। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें ये कटिंग करनी है। सबसे पहले हमारे कमीज का जो घेरा है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कमीज की कटिंग करनी है। तो जो मेरे कमीज का घेरा है वो है 22 इंच। अब हमें कितना मार्जिन के लिए लेना होता है वो हमें ना पता हो, यानी कि दोनों तरफ से हमारी जो घेरे की जो होती है लंबाई प्रॉपर तैयार रखने के बाद में हम मोड़ते हैं, तो ये हमारा 22 इंच यहाँ से हो गया, तो हमें कम से कम 3 इंच घेरे के अंदर एक्स्ट्रा लेना होता है कि 1.5 इंच का मुड़ाव तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो ये देखिए हमारा मुड़ाव के लिए 1.5 इंच दोनों तरफ हो जाएगा, तो 22 के अंदर हमने 3 प्लस कर दिए तो हमारे हो गए 25 इंच। अब हमें क्या करना है, ये कपड़ा डबल फोल्ड तो किया हुआ है, हमें यहाँ पे 25 इंच के हिसाब से निशान लगा लेना है और इस कपड़े को हमें अलग कर लेना है। अब ये देखिए मैंने कमीज के लिए कपड़ा अलग कर लिया है, अब अलग करने के बाद में हमें यहाँ से कपड़ा भी अलग कर लेना है। अब ये देखिए जो कपड़ा हमने कमीज के लिए तैयार किया है उसको हमें इस तरह से उल्टा करके ये देखिए बिछा लेना है, और मैं आपको बता दूं ये दोनों कपड़े इस तह के अंदर दूसरी तह हो, इस तरह से हमें कपड़ा नहीं बिछाना है। अब मैं जिस तरह से कपड़ा तय लगा रही हूँ उसी तरह से हमें कपड़े को तय लगा के रखना है। ये देखिए इस तरह से एक हमने तय लगा के रख दी, और दूसरे वाला है इसको इसके ऊपर इस तरह से अलग से तय लगा के हम रखेंगे। ये देखिए मैं सबसे पहले निशान लगा रही हूँ तीरे के ऊपर, अब मैं यहाँ पे तीरे के ऊपर 6 इंच का निशान लगा रही हूँ, यानी कि हमारा तीरा हो गया 12 इंच। अब मैं पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये मैंने 6 इंच का तीरा किस हिसाब से लगाया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 इंच का ये निशान लगा दिया, ये हमारे गले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें तीरा किस तरह और कितना रखना चाहिए। हाँ, अगर हमारा पीछे का गला है जो काफ़ी डीप है, यानी कि 10 इंच, 9 इंच, 8 इंच, तो हम यहाँ पे तीरा 6 इंच रखेंगे, वो भी ये पूरे हेवी साइज का कमीज है, ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल पतली सी लड़की का कमीज है तो यहाँ पे 6 इंच तीरा रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें गले के हिसाब से मेजरमेंट में रखनी चाहिए। अब यदि हमारा गला छोटा है, हमें गला पीछे का रखना है, मान लो 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच, और आगे का गला हमारा 6.5, बस इतना ही तैयार है, क्योंकि आगे का गला तो बड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पीछे का गला होता है वो हमें डीप रखना होता है। तो अगर हमारा गला पीछे का भी छोटा है और आगे का तो छोटा है ही है, तो हमें ये तीरा 6 इंच की जगह 7 इंच, 8 इंच, यानी कि जो भी मेजरमेंट आ रहा है उसके शोल्डर के हिसाब से हमें तीरा लेना होगा, क्योंकि हमारा जब गला पीछे का बड़ा होता है तो ये फैल जाता है, तो हमें कम तीरे में भी अब हम आसानी से कमीज को पहनते हैं तो
भी उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, लेकिन अगर इसका गला पीछे का छोटा होगा और तीरा भी छोटा होगा तो ये हमारा कमीज यहाँ से आके इस तरह से यहाँ पे सिलपटे गिरेगी। तो हम सोचेंगे कि ये हमारी जो बगल के नीचे होते हैं यहाँ पे जो निशान आ जाते हैं, यहाँ पे खिंचाव आता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे सूट में झोल आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर हमारा तीरा और गला सही नहीं होगा तो यहाँ पे झोल आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस कमीज के अंदर मैं आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगी। अब ये हो गया हमारा तीरे का निशान, ये देखिए इस तरह से। अब तीरे का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे बारी आती है आर्म होल्स का, तो वो मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच के ऊपर, ये देखिए। तो यहाँ पर आप निशान लगा के देख लीजिए 6 इंच का इस तरह से। अब स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इस निशान को आप लंबा ले जाइए। अब बारी आती है ब्रेस्ट की कि हमारी ब्रेस्ट यानी कि हमारा सीना कितना है। तो यहाँ पे सीना आ रहा है 11 इंच के ऊपर, यानी कि 22 इंच है, तो उसका हाफ हो गया 11 इंच। ये हमारा ब्रेस्ट का निशान हो गया। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी हमें देखना होता है। अगर लेडीज फुल लंबी है तो आप 7.5 इंच पे निशान लगाओगे तो आपका कमर का है जो निशान बिल्कुल सही आएगा। अगर कोई लेडीज की लंबाई कम है तो आप 7 इंच के ऊपर निशान लगा सकते हो। अगर कोई छोटे बच्चे का है तो आप 6 इंच के ऊपर भी निशान लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 7.5 के ऊपर क्योंकि ये पूरी लंबी लेडीज का सूट है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने कमर का निशान लगा दिया, और कमर का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे उनकी जो फिटिंग है वो आ रही है 18 इंच पे, लेकिन मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ एक बार 9.5 के ऊपर क्योंकि हमें इस सूट के अंदर प्लेटें डालनी है, तो प्लेटों के अंदर हमारा कपड़ा आधा आधा इंच चला जाएगा, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। फिर भी आपको दिक्कत हो यहाँ पे, आप प्लेटों के निशान लगा लिए फिर आप सिलाई करोगे तो उसके बाद में भी इस तरह से कपड़ा बिछा के आप फिटिंग का निशान दोबारा से लगा सकते हो अगर आपको परेशानी आ रही है तो। उसके बाद बारी आती है चोक की, यानी कि हमारी हिप्स का। हिप्स का क्या होता है कि नॉर्मल हम निशान लगाते हैं तो ये जो हमारा शोल्डर का निशान लगा हुआ है यहाँ से हम 15 इंच के नीचे ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा निशान है, बिल्कुल सही बैठता है। अगर लेडीज फुल लंबी है और उसका चोका निशान लगाना है तो आप 15 इंच के ऊपर लगा सकते हो। अगर लेडीज लंबी भी है, हेल्थी है, तो आप 15 की जगह 16 या 17 पर भी चोक के निशान लगा सकते हो ताकि उनका जो कमीज है पहनने के बाद में साइड से पेट मतलब दिखे ना, इसलिए आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हो। लेकिन नॉर्मल जो होता है ये 15 या 15.5 के ऊपर ही निशान लगता है, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच के ऊपर ये निशान लगा दिया, ये देखिए। पहले हमने यहाँ पे मोड़े का निशान लगाया शोल्डर का, फिर हमने फिटिंग का लगाया, और अब हमने निशान लगा दिया यहाँ पे चोक का। अब हमारी जो हिप है वो हमारी है 22 इंच, तो 22 इंच का हाफ हो जाएगा 11 इंच, ये देखिए। ये मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इस निशान को यहाँ पे इसके साथ मिला दीजिए और इस निशान को इसके साथ मिला दीजिए। अब आगे होगी लंबाई, लंबाई के बाद में आपको मोड़ना है, उसके लिए आपको कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई के लिए कपड़ा रखना होता है। ये हमने निशान लगा दिए। अब बारी आती है प्लेट की। अब ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ प्लेटों का 12.5 इंच के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है कि आपको प्लेट के निशान किस तरह से किसी के लगाने हैं तो आपको क्या करना है, जिस किसी का भी सूट है आप उसको सीधा खड़ा कर लीजिए और उसका तीरे का ऊपर शोल्डर के ऊपर जो हमारी सिलाई की होती है कमीज की वहां पर इंची टेप रखिए इस तरह से। ये हमारी जैसे कि सिलाई होगी इस तरह से, और इस तरह से हमारे प्लेट का निशान जैसे निप्पल का होता है उसके ऊपर तक ले लीजिए, तो ये हमारे प्लेट का निशान बिल्कुल सही आएगा। अब आपको यहाँ पे अगर प्लेटें पूरी नॉर्मल बीच में डालनी है तो
तो आप उसके हिसाब से डालो। अगर आपको साइड प्लेट डालनी है तो आप यहाँ पे 6 इंच तक भी निशान ले जा सकते हो, तो ये हमारी साइड प्लेटें यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल सामने प्रॉपर प्लेटें डालनी है तो आप यहाँ पे 4.5 के ऊपर भी निशान लगा सकते हो। ये देखिए 4.5 के ऊपर आप निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 6 इंच के ऊपर निशान इस तरह से लगाया मैंने यहाँ से लेके, क्योंकि मुझे साइड प्लेटें डालनी है, बिल्कुल सामने की तरफ प्लेटें नहीं डालनी है। और ये अब प्लेट की बारी आती है, तो मैं यहाँ पर भी बता दूँ, अगर कोई लेडीज मोटी है उसकी आप प्लेट बिल्कुल 5.5 के ऊपर ही रखोगे, इससे ज़्यादा प्लेट नहीं डालोगे, ये लंबी प्लेट। अगर कोई लेडीज पतली है तो उसकी प्लेट आप 6 से 7 तक ले जा सकते हो, तो भी उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगा दिया है इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है। और इसकी जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से कम दबाव देते हैं और बीच की साइड से ज़्यादा दबाव देते हैं, तो हमारी जो प्लेट है बिल्कुल सुंदर उभर के आती है। अगर यहाँ से हमने कम दबाया और यहाँ से ज़्यादा दबाया तो यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ खड्डे से का निशान पड़ जाता है, तो वो प्लेट अच्छी नहीं लगती है। अब वापस यहाँ शोल्डर के ऊपर आ जाइए, यहाँ की मैं कटिंग आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। अगर हमारे शोल्डर की कटिंग सही नहीं होगी तो हमारे पूरे कमीज की फिटिंग बिगड़ जाएगी, या तो हमारी बाजू घूम जाएगी, या हमारी प्लेटें घूम जाएगी, या हमारा गला घूम जाएगा, या यहाँ से झोल पड़ जाएगा, क्योंकि मेन जो कमीज का होता है यहाँ पे आके सारा एरिया ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग सही होगी तो हमारे सूट की फिटिंग अपने आप अच्छी आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जिस साइज़ का मैं सूट काट रही हूँ उसके हिसाब से, और वैसे नॉर्मल सभी के साइज में ये ही कटिंग बिल्कुल सेट बैठती है। इस तरह से आप इंची टेप को कर लीजिए और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लीजिए, और जो निशान हमने यहाँ पे फिटिंग के लिए लगाया है उसके साथ से इस तरह से इसको इस तरह से लेके आइए। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है पहले। अब हमें क्या करना है, एक इसी तरह से वापस 1.5 इंच का निशान लगाना है, वो भी हमें इस तरह से लेके आना है और इसके अंदर ये देखिए इस तरह से सेट कर देना है। ये तो हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया, 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.25 के ऊपर एक निशान लगाना है, और इस निशान को अब देखिए हमें कटिंग किस तरह से करनी है। पहले हमें ये कमीज के चारों साइड उठा लेने हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए अगर हम ये अंदर दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको रखते तो हमारी कटिंग बिगड़ जाती है। अब मैंने इस तरह से अलग अलग रखे तो हमारी कटिंग कभी भी बिगड़ेगी नहीं। पहले मैंने ये चारों फोल्ड है इसको इस तरह से उठा लिया है, और जो हमने 1.5 इंच के ऊपर कटिंग की थी उसके ऊपर इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। ये देखिए ये हमारी कटिंग होगी। अभी जो 1.5 इंच का निशान लगाया है वो कटिंग हमारी पड़ी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर का एक फ्रंट उठाना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको उठा के इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी। ये देखिए ये काफ़ी इजी तरीका है। अब ये देखिए ये हमारा ऊपर का फ्रंट हो गया और ये नीचे का हो गया, ऊपर वाले की 1.5 इंच की कटिंग होगी और नीचे वाले की 2.5 इंच की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से शोल्डर को ऊपर से उठा देना है, यहाँ से अलग कर देना है। अब हमने ये क्यों किया है, इस तरह की हम कटिंग करेंगे तो हमारा आगे का गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा और प्रॉपर फिटिंग में रहेगा। भले आपका गला कितना भी बड़ा हो और पीछे से कितना भी नेक बड़ा हो तो नहीं, पीछे वाला गला आगे आएगा। अगर आपका छोटा गला है तो आगे वाला गला फिर भी पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान में रखकर आप कमीज की कटिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और अपने सूट को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। तो बहनों कैसी रही आपको आज की वीडियो, अच्छी लगी
आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।